ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों लिस्ट पे जो हमारा पहला गेम आता है उस गेम का नाम है बैटल ऑपरेशंस। गेम का साइज है वो सिर्फ 190 MB है भाई। मैं खुद हैरान हो गया था भाई इस गेम को देखने के बाद कि 200 MB के अंदर भाई इतना जबरदस्त गेम कोई कैसे बना सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हो आपको कैंपेन मोड है वो खेलने को मिलता है जिसमें आपको मिशन दिए जाएंगे। यहाँ पे कोई स्टोरी लाइन तो अच्छे से फॉलो नहीं होती, सिर्फ आपको मिशन मिलते हैं, उन मिशन को भाई आप पूरा करते हो। सिंपल सा कंसेप्ट रखा गया है लेकिन गन्स की वैरायटी काफी देखने को मिलती है। आगे जाके आपको और भी काफी सारे जबरदस्त गन्स देखने को मिलेंगे जैसे जैसे आप मिशन में आगे बढ़ते जाओगे। लेकिन साथ में जो मिशन में स्टोरी चल रही है ना वो मेरे को काफी जबरदस्त लगी। बाकी शूटिंग साउंड जो कंट्रोल्स हैं वो सारे काफी जबरदस्त हैं, तो यार मेरे को काफी गेम पसंद आया। बाकी इसमें मल्टीप्लेयर मोड भी देखने को मिलता है जो कि ऑनलाइन है, अगर आप वो भी खेलना चाहते हो तो वो भी खेल सकते हो। बाकी ऑफलाइन इसका आप कैंपेन मोड खेल सकते हो जो कि काफी जबरदस्त है। दोस्तों लिस्ट पे जो हमारा दूसरा गेम आता है उस गेम का नाम है डर्टी रिवॉल्वर। गेम पूरी तरीके से ऑफलाइन और जो गेम का साइज है वो सिर्फ 300 MB। अगर आपने रेड डेड रिडेम्पशन देखा है भाई गेम या फिर खेला है तो आप देख सकते हो थोड़ा बहुत करेक्टर वैसा लग रहा है। और यहाँ पे आपको शूटिंग करनी है, जितने भी एनिमीज आते हैं भाई शूट कर रहे हो, आपको अलग अलग लोकेशन पे मिशन मिलते हैं, जाके जब वहाँ पे आप उन एनिमीज को मारते हो। सिंपल सा कंसेप्ट है लेकिन इसके पीछे एक स्टोरी है भाई। जब आप छोटे थे तो आपके गाँव पे ऊपर हमला हुआ था, उसमें आपकी मदर और आपके सिबलिंग है वो मारे गए थे, लेकिन आपके पापा ने आपको बचा लिया, उसके बाद ट्रेन किया, उसके बाद आप बदला लेने वापस आए हो, अलग अलग लोकेशन पे जाके उन सभी एनिमीज को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। तो कुछ ऐसा कंसेप्ट है लेकिन गेम की ग्राफिक्स क्वालिटी और कंट्रोल्स काफी मजेदार है भाई, आप देख सकते हो स्क्रीन पे। तो मेरे को खेलने में काफी मजा आया, काफी फन हुआ था गेम खेलने में, तो भाई आप भी इस गेम को जरूर ट्राई करना। दोस्तों लिस्ट पे जो हमारा थर्ड नंबर पर गेम आता है वो है रोरिंग रेसिंग। गेम पूरे तरीके से ऑफलाइन होगा और जो गेम का साइज है वो 100 MB के आसपास रहेगा। और यहाँ पे आपको बहुत सारी कार्स मिल जाएंगी, आप उनको कस्टमाइज भी कर सकते हो या नई नई गाड़ी अनलॉक कर सकते हो, बाय कर सकते हो। एक रेसिंग गेम होने वाला है लेकिन काफी फास्ट पेस वाला रेसिंग गेम है, ऐसा नहीं कि स्लो है भाई। नाइट्रो बूस्ट यूज कर रहे हो, कारों को टक्कर मार रहे हो और उनसे आगे निकल रहे हो, कुछ वैसा कंसेप्ट होने वाला है। वैसे रेसिंग गेम ऑलरेडी बहुत एंड्रॉइड पे आ चुके हैं लेकिन सिर्फ कुछ ही गेम अच्छे होते हैं जैसे आप सभी को मोस्टली वो पता ही है। लेकिन ये वाला गेम भी भाई अच्छी वाली लिस्ट में आ ही जाता है क्योंकि काफी जबरदस्त गेम बनाया, साइज कम है, ऑफलाइन है, ऊपर से भाई इतना कुछ फास्ट पेस वाला गेम देखने को मिल रहा है, तो मेरे को काफी मजा आया इस गेम को खेलने में। आप भी इस गेम को जरूर ट्राई करना। दोस्तों लिस्ट पे जो हमारा फोर्थ नंबर पर गेम आता है वो है वर्ल्ड क्रिकेट बैटल 2। ये गेम पूरी तरीके से ऑफलाइन होगा, जो गेम का साइज है वो 400 MB है। वैसे यार मैंने स्पोर्ट्स गेम काफी कम ऐड किया इसलिए सोचा मैंने इसको ऐड कर दूं। मेरे को स्टार्टिंग बड़ी अच्छी लगी इस गेम की, नेशनल एंथम का म्यूजिक चलता है भाई जब गेम स्टार्ट होने वाला होता है। बाकी इसमें आपको रियल टाइम मल्टीप्लेयर भी मोड देखने को मिल जाता है, अगर आप ऑनलाइन खेलते हो तो वो भी आप ट्राई कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे यार मतलब मेरे को गेम प्ले काफी पसंद आया और जो कंट्रोल्स हैं भाई वो सारा कुछ एकदम ऑसम होने वाला है, जो कि आपको क्रिकेट गेम में चाहिए होता है वो सब कुछ देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे टोटल आपको 60+ बैटिंग शॉट्स है वो देखने को मिलते हैं और जो बॉलिंग स्टाइल है वो टोटल 10 देखने को मिलेंगे, जो यूनिक एक्शन होगा तो वो काफी जबरदस्त रखा गया। और यहाँ पे प्लेयर रिटायर भी होते हैं, सब कुछ बिल्कुल एक रियल क्रिकेट की तरह बनाया गया जो कि मेरे को काफी पसंद आया। तो अगर आप कोई क्रिकेट गेम ढूंढ रहे हो तो भाई इस गेम को जरूर ट्राई करना, मैं 100% गारंटी लेता हूँ अगर आप क्रिकेट गेम के फैन होना तो भाई आपको ये वाला गेम पसंद आने वाला है। दोस्तों लिस्ट पे जो हमारा फिफ्थ नंबर पर गेम आता है वो है प्रोजेक्ट ऑफ रोड। गेम पूरी तरीके से ऑफलाइन और जो गेम का साइज है वो 560 MB है। ये एक सिमुलेशन गेम होने वाला है जिसमें आपको अलग अलग तरह के व्हीकल्स मिलते हैं, कुछ हैवी व्हीकल्स मतलब बड़े वाले ट्रक वाले या फिर कुछ गाड़ियां ऐसे मोन्स्टर ट्रक ये वो सारे कुछ देखने को मिलेंगे इसमें भाई आपको। लेकिन यहाँ पे भाई जो नेचर है वही आपका दुश्मन है, मतलब रास्ते हैं वो काफी टफ हैं। आप किसी सामान को लेके जा रहे हो, शिफ्ट कर रहे हो या फिर आप वैसे ही उस रास्ते से निकल रहे हो अपने मिशन के लिए, रास्ते में आगे जा रहे हो तो वो रास्ता काफी टफ होता है, तो उसको पार करने में काफी मजा आता है। अलग अलग तरह की गाड़ियां होती है और उसमें आप गाड़ियां कस्टमाइज भी कर सकते हो जो कि मेरे को काफी पसंद आया, काफी अच्छी खासी कस्टमाइजेशन दी गई है। अगर आप सिमुलेशन गेम ढूंढ रहे हो गाड़ी चलाना अगर आपको पसंद है तो भाई सीखना भी चाहते हो कुछ, क्योंकि इनकी जो मतलब फिजिक्स होती है वो थोड़ी सी रियल होती है, तो भाई आप इस गेम को जरूर ट्राई कर सकते हो। दोस्तों लिस्ट पे जो हमारा 6 नंबर पर गेम आता है वो है वेरी लिटिल नाइटमेयर्स। गेम पूरी तरीके से ऑफलाइन है, जो गेम का साइज है वो सिर्फ 405 MB है और ये भाई बहुत जबरदस्त गेम है। इस गेम को अवार्ड भी मिल चुके हैं। एक पजल बेस्ड गेम होने वाला है, देखने में थोड़ा सा सिंपल लगा रहा है लेकिन काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन है, साथ में जो पजल्स आती हैं वो भी काफी मजेदार आते हैं। मतलब एक छोटी सी लड़की है वो एक मैंशन में उठी है, उसको कुछ भी नहीं पता वो यहाँ पे कैसे है, तो आपको सर्वाइव करना है इस तरीके से, बाहर निकलना है इस जगह से, और रास्ते में बहुत सारी पजल्स आती है जिनको सोल्व करने में काफी मजा आता है भाई। ये गेम काफी पॉपुलर भी हुआ था, जिनको भाई पजल वाले गेम पसंद है, सर्वाइव करना, डिस्कवर करना या फिर एक्सप्लोर करना, तो वो इस गेम को जरूर ट्राई करें। दोस्तों लिस्ट पे जो हमारा 7th नंबर पर गेम आता है वो है लॉस्ट सॉक्स नोटी ब्रदर्स। गेम पूरी तरीके से ऑफलाइन होगा, जो गेम का साइज है वो 510 MB है। यहाँ पे काफी फनी सा गेम प्ले बनाया गया, जैसे रन एंड गन वाला गेम होने वाला है। मतलब एक सॉक्स गुम हो गया, उसको आप ढूंढे और रास्ते में जो बहुत सारे जो एनिमीज आ रहे हैं उनको आप डिफीट कर रहे हो और रास्ते में कुछ लोगों को आप बचा भी रहे हो, तो सिंपल सा कंसेप्ट रखा गया। लेकिन भाई ग्राफिक्स क्वालिटी आप देख सकते हो थोड़ी बहुत रेमन जैसी लगती है देखने में, लेकिन काफी मजेदार गेम है और काफी लोगों ने इस गेम को पसंद भी किया था जब लॉन्च हुआ था। मतलब काफी फन सा गेम प्ले होता है,
होता है, तो ऐसे गेम मेरे को भी काफी पसंद आते हैं, अच्छा खासा टाइम पास हो जाता है, तो भाई आप भी इस गेम को जरूर ट्राई करना। दोस्तों लिस्ट पे जो हमारा 8th नंबर पर गेम आता है वो है एंटी टेररिस्ट स्क्वाड। भाई गेम पूरी तरीके से ऑफलाइन होगा, जो गेम का जो साइज है ना वो सिर्फ 100 MB है, लेकिन गेम प्ले मेरे को काफी मजेदार लगा। आप देख सकते हो भाई स्क्रीन के ऊपर ग्राफिक्स क्वालिटी काफी अच्छी लगी है, करेक्ट मूवमेंट होती है जो वो ऑटोमेटिक होती है, लेकिन आपको सिर्फ शूट करना है, और जो शूटिंग साउंड और जो कंट्रोल्स रखे हैं वो मेरे को काफी पसंद है भाई। मतलब आप देख सकते हो भाई 100 MB के अंदर कितने जबरदस्त गेम बन रहे हैं, तो यार मेरे को तो काफी पसंद है। वैसे मिशन स्टोरी लाइन चलती रहती है, आपको मिशन मिलते रहते हैं, जैसे मैं इस बंदे से पूछूंगा इसका मेन बॉस किधर है, तो ये बता रहा है उंगली करके कि उधर है, देखो मारने पे बता रहा है, कितनी जबरदस्त बात है ना। तो यार मेरे को गेम प्ले काफी मजेदार लगा, एनिमीज को शूट करने का तरीका ये वो सब कुछ मेरे को काफी पसंद आया। मतलब 100 MB के अंदर बंदे ने अच्छा गेम बनाया भाई, इस गेम को आप जरूर ट्राई करना। दोस्तों लिस्ट पे जो हमारा 9th नंबर पर गेम आता है वो है हॉट लावा फ्लोर। गेम पूरी तरीके से ऑफलाइन होगा, और जो गेम का साइज है वो सिर्फ 150 MB है। यहाँ पे सिंपल सा कंसेप्ट है, जिस लोकेशन पे आप रह रहे हो जगह पे, मतलब बिल्डिंग्स आसपास शहर में, तो वहाँ पे लावा आ चुका है। वैसे यार हेलोवीन का अपडेट आ चुका है, तो हेलोवीन की लोकेशंस आ गई है इसमें, मतलब मोस्टली नीचे लावा होता है, तो आपको जंप करना है, गाड़ियों के ऊपर कैश पड़ा है वो आपको उठाना है, सिंपल सा कंसेप्ट यही रहने वाला है भाई। लेकिन मैं सोचो भाई दुनिया तबाह हो रही है, लावा हर जगह आ चुका है, और आप जाके गाड़ियों से ऊपर कैश उठा रहे हो, मतलब बंदा कभी नहीं सुधरेगा ना। तो भाई बिल्कुल वैसे ही कंसेप्ट यहाँ पे रखा गया, लेकिन हेलोवीन अपडेट में काफ़ी अच्छी लोकेशंस बना दी गई हैं, जो कि मेरे को काफ़ी पसंद आई। तो ये गेम काफ़ी पॉपुलर भी हुआ थोड़े टाइम में, तो अगर आप भी ऐसा कुछ ट्राई करना चाहते हो, जंप वाली स्किल्स इंप्रूव करना चाहते हो, तो भाई आप इस गेम को जरूर ट्राई करना। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद उस नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ज़रूर सेट करें, ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, और कमेंट भी ज़रूर करना। दोस्तों लिस्ट पे जो हमारा 10th नंबर पर गेम आता है वो है जोम्बी हंटर डीडे। गेम का साइज है वो सिर्फ 85 MB, और यहाँ पे अगर आपको जोम्बिस को मारना पसंद है ना, वो भी वेव्स में भाई बहुत सारे आते हैं, तो ये वाला गेम आप ही के लिए बने, आप एक घर में कह दो। वैसे इसके अलावा आगे मिशन और भी आएंगे, लेकिन स्टार्टिंग में ये होता है कि आप घर में कह दो, आप देख सकते हो जोम्बिस आ रहे हो और आप उनको शूट कर रहे हो। इसके अलावा कुछ और भी मिशन आएंगे जिसमें आपको खतरनाक वाली गन्स मिलेंगी, तो सोचो यार उनसे जोम्बिस को मारने में कितना मजा आएगा। और यहाँ पे जोम्बिस की वरायटी है वो चेंज होती रहती है, मतलब आगे जाके ना जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता रहेगा तो जोम्बिस का लेवल भी बढ़ता रहेगा, जैसे लेवल 3 के आने लग जाएंगे, कुछ वैसा कंसेप्ट होगा। तो अगर आपको जोम्बिस को मारना पसंद है या जोम्बिस को पूरे तरीके से मारना पसंद है, तो भाई ये वाला गेम आप ही के लिए बना है, तो आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। दोस्तों लिस्ट पे जो हमारा 11th नंबर पर गेम आता है वो है स्नाइपर जोम्बीज। गेम पूरी तरीके से ऑफलाइन, और जो गेम का साइज है वो 150 MB है। अगर जो मैंने पिछला गेम बताया था, अगर आपको डर लगता है पास से जोम्बिस को मारने में, तो भाई आप स्नाइपर वाला गेम यूज़ कर सकते हो जोम्बिस को मारने के लिए। तो यहाँ पे होता है कि आपको कुछ मिशन दिए जाते हैं, टारगेट दिए जाते हैं, आप स्नाइपिंग कर रहे हो, जोम्बिस लोगों के ऊपर अटैक कर रहे हैं, बाकी आपके पास अलग अलग यूनिक पावर्स हैं, टाइम को स्लो कर रहे हो थोड़ा बहुत, तो ऐसी कुछ पावर्स भी होने वाली आपके पास। उसके बाद एक स्नाइपर गन तो है ही, जिसे आप जोम्बिस को मार पाओगे, तो सिंपल सा यही कंसेप्ट रहने वाला है, ये भी एक जोम्बी शूटिंग गेम होने वाला है, तो आप इस गेम को भी ट्राई कर सकते हो। दोस्तों लिस्ट पे जो हमारा 12th नंबर पर गेम आता है वो है डेमन ब्लास्ट। गेम पूरी तरीके से ऑफलाइन होगा, जो गेम का साइज है वो सिर्फ 55 MB है। भाई एक रेट्रो 90s वीडियो गेम होते हैं ना जैसे, बिल्कुल वैसा ही कंसेप्ट होने वाला है। तो मेरे को तो काफी पसंद आया ये वाला फर्स्ट पर्सन शूटिंग गेम, तो आपको भी जरूर ट्राई करना चाहिए। ऐसे फन वाले गेम होते हैं भाई, इनसे अच्छा खासा टाइम पास होता है, एक बार ट्राई जरूर करना। काफी लोग ग्राफिक्स या आर्ट स्टाइल एनिमेशन को देख के भाग लेते हैं, लेकिन इसका गेम प्ले एंजॉय करने लायक होता है, इसमें बहुत फाइट भी आती है जिसमें काफी मजा आता है, तो भाई इस गेम को जरूर ट्राई करना। दोस्तों लिस्ट पे जो हमारा 13 नंबर पर गेम आता है वो है डेस हीरो। ये भी गेम काफी पॉपुलर हुआ था भाई, काफी कम समय में आरपीजी बेस्ड ऑफलाइन गेम होने वाला है। एक तो सिंपल सा कंसेप्ट है, एक टच कंट्रोल्स यूज कर रहे हो, जो स्वॉर्ड वगैरह अपग्रेड हो रही है सब कुछ वो ऑटोमेटिक होता रहेगा, रास्ते में जो आपको चीजें मिलेंगी, लेकिन जो एनिमीज आ रहे हैं बहुत सारे हैं उनको आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो। अलग अलग तरह के पावर्स भी मिलते हैं भाई, यूनिक एबिलिटीज जो देखने को मिलती है वो काफी मजेदार होती है। तो सिंपल सा कंसेप्ट है और गेम काफी मजेदार है, तो भाई गेम को जरूर ट्राई करना। दोस्तों लिस्ट पे जो हमारा 14 और 15 नंबर पे गेम आता है ना वो है Doom 1 और Doom 2। ये भी क्लासिक 2.5D वाले गेम होने वाले हैं भाई, 2D ग्राफिक्स आप बोल सकते हो, तो कुछ वैसा ही कंसेप्ट होने वाला है। लेकिन डूम सीरीज काफी पॉपुलर है, उसमें आपको वैसे ही बॉस देखने को मिलेंगे, थोड़ा आर्ट स्टाइल अलग है ये वाला, लेकिन काफी मजेदार है। जैसे कि मैंने बोला, लास्ट वाले 3-4 गेम मैंने इसलिए ऐसे बताए क्योंकि मेरे को काफी कमेंट भी आते हैं इनके रिलेटेड कि भाई ऐसे गेम्स के ऊपर वीडियो बनाओ, तो मैं कुछ मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए। और डूम सीरीज अगर आपकी फेवरेट है तो भाई आपको 100% ये वाले गेम्स है वो जरूर ट्राई करने चाहिए, फन होने वाला है, बहुत मजेदार गेम होंगे, तो इन दोनों गेम्स को जरूर ट्राई करना। और साइज भी भाई 200-300 MB के आसपास रहेगा, तो ठीक है आपके फोन में कंपैटिबल है, तो आप इन गेम्स को ट्राई कर सकते हो। और दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, और अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जिनके साथ आप भाई गेम्स खेलते रहते हो, या फिर जिनको इंटरनेट की दिक्कत आती है, वो ऑफलाइन गेम्स ढूंढ रहे हैं, तो उनके साथ ये वाला वीडियो शेयर जरूर करना भाई, पुण्य कमा लोगे आप, कुछ अच्छा कर लोगे, तो प्लीज़ उनके साथ वीडियो शेयर जरूर करना, वीडियो को लाइक भी करना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।